चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कोविड वैक्सीनेशन पर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया। दिल्ली सरकार ने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने अगर 15 अक्टूबर तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है तो 16 अक्टूबर से उससे ऑफिस आने की अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है और उसके एब्सेंस को लीव माना जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन पर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने अगर 15 अक्टूबर तक वैक्सीन नहीं ली तो 16 अक्टूबर से उसे ऑफिस आने की अनुमति नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी और उसके एब्सेंस को लीव माना जाएगा। तो कड़ा संदेश है लेकिन यह बेहद जरूरी भी था क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का यह आदेश बहुत कारगर और बहुत जरूरी था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन पर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, एक बड़ा फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने अगर 15 अक्टूबर तक वैक्सीन नहीं ली तो 16 अक्टूबर से उसे ऑफिस आने की अनुमति नहीं मिलेगी। और इस बड़ी खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी पुलकित नागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, यह आदेश बहुत जरूरी था, शायद पहले दे देना चाहिए था। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी था। इसकी वजह यह है कि दिल्ली सरकार के तमाम ऑफिस, इसके अलावा स्कूल और सब जगह छूट दी गई है, अब सब चीजें खुल चुकी हैं। और अगर हम हेल्थ बुलेटिन को देखें तो वो भी ये बताता है कि दिल्ली में कोरोना अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये स्थिति खराब ना हो इसको देखते हुए ये DDMA का ऑर्डर आज की तारीख में बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन उन्होंने वैक्सीन की अहमियत को अभी समझा नहीं है। और यही वजह है कि ये ऑर्डर ये बताने के लिए काफी है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो कार्रवाई के शिकंजे में आप आएंगे और आपको ऑफिस आने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार के जो स्कूल खुल चुके हैं उनमें भी कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का हिस्सा वो नहीं बने हैं और उनको भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है इस ऑर्डर के जरिए। जी आप पुलकित, बड़ा सवाल ये भी है, अगर 15 अक्टूबर तक वैक्सीन लगानी जरूरी है, सरकार ने जो आदेश दिया है दिल्ली सरकार ने, लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ अलग अलग इलाके हैं जहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही है, ऐसी सूरत में क्या दिल्ली सरकार ने उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है क्या? देखिए, दिल्ली सरकार के पास अभी जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि दिल्ली में वैक्सीन की अभी कमी नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ने स्कूलों के माध्यम से और दूसरे संस्थानों के माध्यम से कोशिश की है कि सरकारी जो सिस्टम में रहने वाले लोग हैं उन्हें तुरंत वैक्सीनेट किया जाए। इसके लिए बाकायदा एक मुहिम भी चलाई गई थी, क्योंकि जब ऑफिस को खोलना था, स्कूल को खोलना था, तो इसके लिए एक अलग से फैसिलिटी उन लोगों को दी गई थी ताकि वो जाएं और वैक्सीनेट हो जाएं। अब भी सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी दिल्ली के अंदर नहीं है, यानी कि आसानी से जो भी वैक्सीन लगवाना चाहता है उसे वैक्सीन लग सकती है। जी चलिए पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और ये खबर बहुत अहम है क्योंकि जो सरकार दिल्ली सरकार ने जो आदेश पारित किया है वो बाकी राज्यों को भी करना चाहिए, क्योंकि अगर सख्ती नहीं होगी तो कोविड पर कंट्रोल नहीं होगा। 15 अक्टूबर तक अगर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो 16 अक्टूबर से उनकी लीव मानी जाएगी, वो एब्सेंट माने जाएंगे, यानी उनकी सैलरी कटेगी। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।